मैं बोलने वाले नामर्द नायक लोगों, तुम लोग क्या बात दिए थे, क्या जबान दिए थे? आपका जबान है बसराज बोम्मई? आपका जबान है? आपके पास इंसानियत अगर रहे तो हमारे जो कोली समाज के, तलवार समाज के बच्चों का हक मत छीनो। अरे मोदी साहब, गुलबर्गा में आके मैं कोली समाज को याद रखूंगा, कहते आप? सुना है आजकल आपकी यादव खो गई? यहाँ के बीजेपी सरकार को इंसानियत नहीं है, यहाँ के बीजेपी मिनिस्टर लोगों को इंसानियत नहीं है, यहाँ के बीजेपी सरकार के लोग, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार के मिनिस्टर लोगों को इंसानियत नहीं है, जो इनका पास जबान नहीं है हमारे को एसटी बनाते बोल के नहीं बनाए। आज कर्नाटक सरकार हमारे कोली कब्बलिगा तलवार बारकेर सुनगर अंबिगेर बारकेर जालगर ऐसे हमारे लोगों को पिछले गए हुए चुनाव में ये जो कोली जाति है, कब्बलिगा जाति है, ये लोगों को एसटी में दर्जा करके आपको एसटी सर्टिफिकेट देते तुम लोग हमारे को वोट दो बोल के हम देशो वोट के बीक पर आज का बीजेपी सरकार चल रही है। इसलिए आज हम कर्नाटक सरकार यहाँ पर कल्याण कर्नाटक उत्सव मना के यहाँ पर ध्वजारोहण झंडा चढ़ाने के लिए आ रहे। हमारे को ये भाग में आज़ादी मिला बोल के आप झंडा चढ़ाने आ रहे बसवराज बोम्मई साहब? यहाँ पर हम लोगों को आज़ादी नहीं मिला, हम लोगों को, हमारे कोली समाज कब्बलिया समाज लोगों को आज़ादी नहीं मिला है। आप क्या मुंह लेके आप ध्वजारोहण करने आ रहे इलेक्शन में? बड़े बड़े बात बोलकर, झूठे वादे कर, झूठे भरोसे देकर आज तुमने चुनाव में हर समय में हम तुम हमारे को तुम वोट दो हम तुम्हारे को एसटी बना के देते बोल के बी एस येडियुरप्पा बसवराज बोम्मई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद उमेश यादव और यहाँ कर्नाटक में बीजेपी सरकार में मैं बोलने वाले नामर्द नायक लोगों, तुम लोग क्या बात दिए थे, क्या जबान दिए थे? आपका जबान है बसवराज बोम्मई? आपका जबान है? आपको इज्जत है? आपके पास इंसानियत अगर रहे तो हमारे जो कोली समाज के, तलवार समाज के बच्चों का हक मत छीनो, हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो। हमारे को जो वादा करे थे एसटी देते बोलकर, ओ एसटी दो पहला। अरे मोदी साहब, गुलबर्गा में आके मैं कोली समाज को याद रखूंगा, कहते आप? सुना है आजकल आपकी यादव खो गई? बहुत कुछ लोग बोल रहे मोदी साहब का यादत खो गई। भाइयों, आप पत्रकार भाइयों, आप भी सुनाए उनकी यादत खो गई? बिल्कुल खो गई। लोकसभा चुनाव में 2019 में गुलबर्गा में आके कर्नाटक के कोली समाज को मैं याद रखूंगा, हमारे सांसद उमेश यादव उनको वोट दो, हमारे को हमारा सरकार आने के बाद तुमको याद रखते बोले तो आपका याद खो गई? ये बीजेपी सरकार का याद हम दिलाना चाहते, आपको लोगों को गिरा के आपको याद दिलाना चाहते हम कोली समाज वाले। अगर हमको ये आपका जो वादा किए थे, जो भरोसा दिए थे, जो एसटी आपको देते बोल के कल यहाँ पर कल्याण कर्नाटक उत्सव मना रहे कर्नाटक की बीजेपी सरकार, यहाँ पर एसटी घोषणा कीजिए, हमारे को एसटी सर्टिफिकेट दीजिए, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को हक दीजिए। अगर ये नहीं होता तो आप
कर्नाटक से राजीनामा देके यहाँ के सरकार को हटा दीजिए। अगर तुमको नहीं होता तो हम लोग कोली समाज कब्बलिगा बेस्त अम्बिगा जो समाज है त्यौहार समाज, हम लोग चाहे तो आपको हम लोग हटा सकते। अगर आप एसटी नहीं दिए तो आपको आगे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारे जो पिछले जो येडियुरप्पा जी है भाषा दिए यहाँ पर एसटी बनाते बोले, 2 साल अधिकार चलाइए, उस टाइम में उनका मुंह उनका कान उनका आँख बंद हो गया था। अरे आप भी आज भी अधिकार में नहीं है, दूसरा मुख्यमंत्री है, आंसू मुँह खोल के बात करो। ये लोगों को भरोसा दिया बीजेपी सरकार, ये लोगों को एसटी देना बोल के बोलो। अगर आपकी ये पास इंसियत रहे तो इंसानियत रहे तो ये बोल के हमारे को सर्टिफिकेट दे दीजिए। यहाँ के बीजेपी सरकार को इंसानियत नहीं है, यहाँ के बीजेपी मिनिस्टर लोगों को इंसानियत नहीं है, यहाँ के बीजेपी सरकार के लोग बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार के मिनिस्टर लोगों को इंसानियत नहीं है। जो इनका पास जबान नहीं है हमारे को एसटी बनाते बोल के नहीं बनाए, इनके पास जबान नहीं है बोलते। अगर तुम्हारा जबान है तो देव जो एसटी बना के दो। अगर आप लोग अगर यहाँ पर कर्नाटक में अगर आप लोग यहाँ कल्याण कर्नाटक उत्सव मनाने आ रहे, यहाँ पर आजादी मिले बोल के आप लोग झंडा चढ़ाने आ रहे, सरकार के मुख्यमंत्री सरकार के मिनिस्टर लोगों आपके पास जबान है, आपके पास इंसानियत है, आप जो जबान दिए थे जो वादा करे थे हमारे कोली कब्बलिगा तलवार समाज को एसटी देते बोल के जो वादा किए थे, अगर आपके पास इंसानियत है तो कल हमारे को एसटी सर्टिफिकेट दीजिए। आज हमारे को तुम जो झंडा चढ़ा रहे यहाँ पर आज़ादी मिले बोल के, हम लोगों को आज़ादी नहीं मिले, हम लोगों को आज भी आज़ादी नहीं है। हम लोग हमारे लोग बहुत कठिन गंभीर परिस्थिति में हम लोग जी रहे, इसलिए मैं सरकार को ये अगर नहीं होता तो कल के दिन मैं गुलबर्गा बंद करने वाला है। हमारे लोग गुलबर्गा बंद करते, रेलवे स्टेशन बंद करते, हम लोग एसटी अगर नहीं मिले तो एयरपोर्ट भी बंद करते। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग अपने जान देने के लिए तैयार है। हमारे को तुम एसटी बनाए।